सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। गैंगस्टर से कथित आतंकी बने लॉरेंस बिश्नोई के तार 4 कनाडा और 3 पाकिस्तान आधारित आतंकियों से जुड़े। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने यह दावा लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज दूसरी प्राथमिकी में किया है। NIA का कहना है कि विदेश में बैठे इन 7 आतंकियों के साथ ही लॉरेंस पर भी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने यानी कि साजिश रचने का आरोप है। NIA ने पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की अदालत में रिपोर्ट पेश की। उसमें बताया गया कि केंद्र सरकार को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि कनाडा और पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए स्थानीय गैंगस्टरों का सहारा ले रहे हैं। इन आतंकियों के संबंध देश के कई बड़े गैंगस्टर में से हैं। NIA ने जब इसकी तफ्तीश की तो दीपक रांगा का नाम सामने आया। उससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो लॉरेंस के लिए काम करता है। रांगा के माध्यम से ही लॉरेंस कटघरे में आया। छानबीन की तो लॉरेंस की कड़ियां जुड़ती चली गई। NIA के अनुसार 3 आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और सिख यूथ फेडरेशन देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहे हैं। इनके साथ सिखों के लिए इंसाफ से जुड़े कई गैर कानूनी संगठन भी शामिल हैं। ये सभी खालिस्तान समर्थक हैं। हालांकि इनमें से कुछ संगठन प्रतिबंधित नहीं है। 3 मुख्य संगठनों के आका कनाडा और पाकिस्तान में। देश में हिंसा फैलाने के इरादों में लॉरेंस भी इनके साथ जुड़ा है। वहीं NIA का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं से तस्करी के जरिए भारत में हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। इन घातक हथियारों का इस्तेमाल देश में सक्रिय संगठित आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में किया जा रहा है। इन हथियारों से बम धमाके, टारगेट हत्या, पुलिस और सेना पर हमला एक मुख्य कारण है। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कई तरीकों से धन एकत्रित किया जा रहा है। समुदाय विशेष से क्राउड फंडिंग, सीमा पार से गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स की तस्करी, फिरौती, हवाला ट्रेडिंग एवं अन्य गैर कानूनी कामों से आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाया गया। पिछले दिनों इन आतंकी संगठनों और लॉरेंस जैसे गैंगस्टर ने देश में आतंक फैलाने जैसे कृत्यों को अंजाम दिया। इस मामले में NIA ने लॉरेंस को 7 दिन के रिमांड पर लिया। NIA के हाथ में कई अहम सबूत लगे हैं। उधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता विशाल चोपड़ा ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि एक ही जैसे आरोपों को लेकर NIA ने दूसरा मुकदमा दर्ज किया। हालांकि अदालत ने कहा कि पहले मामले में दूसरे मामले में अलग तथ्य सामने आए हैं। आरोप गंभीर और संगीन है। वहीं कनाडा आधारित आतंकियों का अगर नाम जो सामने आया है NIA के मुताबिक, उनके नाम है अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श दला, रमनदीप उर्फ रमन, जज लखबीर सिंह संधू और हरदीप सिंह निज्जर। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गोल्डी ब्रार का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं। वहीं पाकिस्तान आधारित जो आतंकवादी हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं, जिसमें हरविंदर सिंह संधू, वाधवा सिंह उर्फ बब्बर और लखबीर सिंह का नाम सामने आया है। इन सभी अपराधों के साबित होने की स्थिति में अधिकतम मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं लॉरेंस को 18 साल की उम्र में किसी के घर घुसकर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। उसके खिलाफ 2 अक्टूबर 2010 को पंजाब के SAS नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा पंजाब के 3 अन्य मामलों में लॉरेंस दोषी पाया गया। उसमें पुलिस की गिरफ्तारी से बचने व दूसरों को बचाने, मादक पदार्थ की तस्करी, धोखाधड़ी और जेल में प्रतिबंधित वस्तु लाने और छिपाने के मुकदमे शामिल हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।